हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साजली और आप देख रहे हैं साजली टीवी। नाज़रीन, आपका व्हाट्सएप हो चुका है बैन, लेकिन आपने बहुत सारी कोशिश कर ली, ये वीडियो देख ली, वो वीडियो देख ली, यूट्यूब की सारी वीडियोस देख ली, लेकिन आपका व्हाट्सएप अनबैन नहीं हो रहा। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता दूँगा आपका व्हाट्सएप अनबैन किस तरह से होगा। तो इस वीडियो को आपने ये करना होगा, पूरा वॉच करना होगा, इसी प्रोसेस को फॉलो करना होगा जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। आपको सब कुछ वही करना है, कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी, जिस तरह से मैं आपको बताता जाऊँ उसी तरह से आपको सब कुछ करना है। तो चलिए नाज़रीन, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। और वीडियो से बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा ये कि अगर आपने अभी तक यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑल कर दें, ताकि जैसे ही मैं इस तरह की अमेजिंग कोई वीडियो अपलोड करूं जो उसका नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आपको मिल पाएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करना बिल्कुल फ्री है, आपका इसमें कोई खर्चा नहीं आता। तो चलिए नाज़रीन, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। हम आ चुके हैं व्हाट्सएप पर। यहाँ पर मैं इसको करता हूँ ओपन। जैसे ही ओपन करता हूँ तो यहाँ पर ये मुझे इस तरह का पैनल शो होता है। मैंने अपने नंबर यहाँ पर टाइप करना है, टाइप करके उसके बाद में यहाँ पर देखो ये इस तरह से आपको एक मैसेज आएगा। यहाँ पर आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, उसके बाद आपने सपोर्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने सिंपली वही स्क्रीनशॉट ऐड करना है। तो यहाँ पर क्लिक करके आपने गैलरी में जाना है और वहाँ से अपना जो है वो स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये ले लिया मैंने, उसके बाद मेरा तो फिंगर रखा हुआ इसलिए यहाँ पर ऐसे कर रहा है। ओके, उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, जो कुछ यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा इसको आगे तक फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा या फिर कट कर दूंगा, साइड में आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप सब कुछ यही टाइप करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये बता चलूँ यार अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि उनको भी इस चीज़ से इलम मिल सके। तो सिंपली सब कुछ यही है। और यहाँ पर मैंने अपना जो नंबर है वो हाइड कर दिया है, आपको तो पता ही कि ये पर्सनल चीज़ होती है किसी का नंबर, और मैंने यहाँ पर हाइड कर दिया है। और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने थोड़ा वीडियो को यहाँ से कट लगा देना है। ओके, तो चलिए यहाँ पर यूँ समझिए कि ये मैंने यहाँ तक टाइप कर लिया है, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ तक। ओके, थैंक्स, थैंक यू। ओके, थैंक्स या थैंक यू आप लिख सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपने क्या करना है कि नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ओके, थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा वेट करने के बाद एक पैनल आपको शो होगा इस तरह से। यहाँ पर आपने कुछ भी टिक नहीं करना, यहाँ पर नीचे आ जाना है, जो रेड साइन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है जी। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद दूसरा पैनल आपके सामने आएगा, ठीक है जी। अब देखते हैं कि दूसरा पैनल कितनी देर में सामने आ जाता है। तो लो जी, ये पैनल सामने आ चुका है और यहाँ पर आपने जीमेल पर क्लिक कर देना है, और कहीं पे नहीं, ये रही जीमेल आपकी, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने सिंपली सेंड कर देना है और कुछ भी नहीं करना, कुछ एडिटिंग नहीं करनी। मैंने यहाँ पर अपना पर्सनल डेटा वो हाइड किया हुआ है, शो नहीं किया, तो इसके लिए माजरत। सिंपली आपने ऊपर एरो पर, ये जो एरो है आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपको सेंड कर देना है, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना, कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी, एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं। ओके, यहाँ पर हम सेंड कर देते हैं, उसके बाद हम जो है 24 घंटे का इंतज़ार करेंगे। अब हम इसको यहाँ से सेंड कर देते हैं। अब हमने 24 घंटे का इंतज़ार करना है, उसके बाद नेक्स्ट डे हम इसको अब ओपन करेंगे। सही, यहाँ पर मैंने इसको क्लोज़ कर दिया है। तो यहाँ पर ये अब जो वीडियो नेक्स्ट आ रही है ये हमारी अगले दिन की है। ओके जनाब, तो ये रही आपकी वीडियो। अब हम दोबारा अपना नंबर यहाँ पर ट्राई करेंगे। सही, अब देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, यहाँ से हमारा नंबर ऑन हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा, हमारा जो नंबर है वो अनबैन होगा या नहीं होगा। अब सारा प्रोसेस यहाँ पर पता चलेगा। अब देखते हैं कि क्या हो रहा है। ओके, अब मैंने यहाँ पर अपना नंबर टाइप कर लिया और उसके बाद मुझे नेक्स्ट। वाओ जनाब, ये देखिए, ये देखिए कि ये मेरा नंबर जो अब वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर एडिट का ऑप्शन मांग रहा है, मैं दोबारा एडिट कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं सिर्फ इसको अब ओके कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर मुझे वेरिफिकेशन कोड का इंतज़ार करना होगा, ऑटो फिल हो जाएगा या फिर मैसेज में भी आपको आ जाता है, वहाँ पर भी आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें, अब देखेंगे, मेरा व्हाट्सएप ऑन हो चुका है। अब देखें, ये देखें, अब मेरा व्हाट्सएप मुझसे मेरे जो है क्रिएट योर बिजनेस प्रोफाइल जो है वो मांग रहा है। मैं यहाँ पर अपना नाम वगैरह, नीचे आपने यहाँ पर सबसे पहले तो कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आपने अपना नाम डालना है, क्योंकि मेरा बिज़नेस व्हाट्सएप जो है वो इंस्टॉल है, इसलिए आपके पास अगर वो सादा है तो उसमें ये नहीं मांगेगा, मेरा बिज़नेस है इसलिए। ओके, यहाँ पर यूज़ कर देना है, उसके बाद देखेंगे व्हाट्सएप आपका व्हाट्सएप जो है वो इंस्टॉल होने लगा है। अब देखें कि ये
यहाँ पर आप नोट नो पे कर सकते हैं, और अगर कुछ चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे मेरा व्हाट्सएप अनबैन हो चुका है, यही मेरा नंबर अनबैन हो चुका है। अब मैं यहाँ से अपने वही, इसमें ये होगा कि आपके जो पहले वाले ग्रुप्स होंगे या फिर नंबर जो भी आपके व्हाट्सएप में होंगे वो चले जाएंगे, आपको दोबारा सब कुछ करना होगा। हाँ, इसमें ये एक रिक्स है कि सब कुछ आपको दोबारा करना होगा, आपके ग्रुप्स वगैरह सारे चले जाएंगे। ये मेरी प्राइवेसी फिंगरप्रिंट की लगी हुई थी, वो बार बार आ रही है, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन ये आपको समझना चाहिए कि आपका ग्रुप वगैरह कोई भी वापसी नहीं आ सकता इस सेटिंग में। याद रहे कि आपको व्हाट्सएप बिजनेस इंस्टॉल करना है, ये भी आप याद रहेंगे कि आपको व्हाट्सएप बिजनेस इंस्टॉल करना है, दूसरा नहीं चलेगा इसमें, अगर आपके पास कोई दूसरा है। ओके, थैंक यू फॉर यू वॉचिंग।